स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल वेलकम टू स्टडी आई क्यू आम अमित वरिधि किलोर दिस इज द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज ऑफ दि स्टडी आई क्यू एंड दिस इज दी लेक्चर नंबर ट्वेंटी एट थ्रू दिस सीरीज वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू कंप्लीट दम स्पेक्ट्रम का हम Uh, unit number 8 uh, which is obviously related to the freedom and partitions since 1939 to 1947 hum chapter number 22 pe the 22 chapter pertains to the nationalist response in the wake of the world war ii मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के जो जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के दौरान किस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया था नाउ दिस चैप्टर इज स्ट्रक्चरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट डिस्कस इज अबाउट द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मोहनदास करमचंद गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस विच वी डिड इन दी लेक्चर नंबर ट्वेंटी दिस लेक्चर हम बेसिकली जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं इस टाइम के द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब बिगिन होती है और नेशनलिस्टिक रिस्पांस क्या होता है एंड देन क्रोनोलॉजिकली कांग्रेस ऑफर टू वॉइस रॉय सी डब्ल्यू सी मीटिंग गवर्नमेंट का रिस्पॉन्ड क्या था जो कांग्रेस की मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया ऑगस्ट ऑफर द रिस्पॉन्स इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी एंड द क्रिप्स मिशन वेल दीज आर द थिंग्स सो विल बी प्रॉब विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम नाइनटीन से लेके नाइनटीन तक बेसिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे नाउ एज अट टोल्ड यू इन दी लास्ट लेक्चर द लास्ट लेक्चर्स विच इज द आइडियोलॉजिकल डिफ्रेंसिसज बिटवीन दी महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस डजेंट हैव ए प्रिलिम्स स्पेसिफिक वैल्यू इट्स नॉट लाइक कि बिल्कुल वहां से कुछ आ ही नहीं सकता है लाइक देर आर ऑब्वियस क्वेश्चन एंड देट कैन ऑलवेज भी आस्क सुभाष चंद्र बोस की पॉलिटिकल फिलोसफी लाइक साम्यवाद जो कि फैसिज्म प्लस सोशलिज्म का एक मिक्सचर है सिमिलरली नई तालीम द न्यू एजुकेशन फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी सो दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैन कम बट हाँ अगर हम सिर्फ प्रिलिम्स के परस्पेक्टिव से देखें सो so डेफिनेटली आज वाला येस्टरडे वाले से रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट डॉक्टर

ब्रिटिश गवर्नमेंट ओके द ब्रिटिश गवर्नमेंटिंग इन लंडन बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो डिकलेयर्स इंडियन सपोर्ट फॉर वॉर विदाउट कंसल्टिंग इंडियन ओपिनियन दिस थिंग रिमेंबर दिस दूर से बैठ कर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है वॉट एग्जैक्टली इज दिस बट अगर थोड़ा सा हम पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ लेंगे सिंक इन आवर माइंड सो वर्ल्ड वॉर टू बिगिन हुई है And uh, as the legal uh, and the international law goes, Britain declares wars against, war against the Germany. And when that declaration happens, they also declare the British Indian government. So there are two governments. One is British government, who is declaring war against Germany. And then there is a British Indian government. They are also declaring India's support for that particular war, which means India is also legally at war with Germany. From 3rd of the September 1939. Now, this happens is that now Jesse Congress didn't like this unilateral action of the Britishers. It seems okay. So the thing is that ki, they just decided this, they just announced it without actually taking any Indian into account or uh, in discussion without consulting the in, uh, um, Indians. So Congress said to Viceroy that we are going to support your war efforts conditionally. Conditionally in the sense that you also have to give us uh, something in return if you need our support. See, Congress is hostile to fascism, Nazism and militarism and imperialism also. So, what is World War II? What is World War II? World War II is basically a fight against the Nazism and fascism. That is the shortest and the slightly simplistic explanation that we can give and this is nazism is ref, uh, represented by the germany and the fascism is represented by the italy okay and now this is british france usa these are the nations or the countries at that time fighting against the Nazism and the fascism. Now, these uh, countries are itself imperialist in the nature. Uh, if you uh, like USA ko hata dete hai, but France and British both like, uh, before the world war II began, are the imperialist in the nature. Now, Indians offered to cooperate in war effort on two conditions. So, Congress is not happy uh, with the वॉर डिक्लेरेशन यूनिलेटर वर्ल्ड डिकलेशन बट दे आर रेडी टू सपोर्ट ब्रिटिशर्स दो कंडीशन रखना चाहते हैं वो कि हम सपोर्ट करेंगे कब आफ्टर द वॉर अंस्टिट्यूंट असेंबली शुड बी कन्वीन्ड टू डिटरमीन पोलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्री इंडिया टाइम याद रखिये दिस इज नाइनटीन हंड्रेड थर्टी नाइन ऑफ द सेप्टेंबर सो द कांग्रेस लीडर्स इज दैट इफ यू नीड अवर सपोर्ट वी कैन सपोर्ट यू बट यू वुलव टू गिव एस अ अग्रीमेंट की जैसी वॉर खत्म हो जाएगी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी विच विल डिटर्मीन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्री इंडिया सेकेंड राइट नाउ लाइक यू वॉन्ट अवर सपोर्ट फॉर्म सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट देंटर आउट एंड आउट एट द टाइम द वॉइस रॉय वॉज द लिन लिथ गो सो वॉइस रॉय लिंग लिथ गो ऑफ द इंडिया डेफिट रिजेक्टेड दिस ऑफर ब्लैक एंड क्लीन ऑब्वियसलीस विल नॉट बी नेगोशिएटिंग एट दीज टर्म्स द कांग्रेस आर्ग्यूड दट दीज कंडीशन फॉर नेसेसरी टू विन पब्लिक ओपिनियन फॉर द वॉर सो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स दिस इज टू मच कांग्रेस इज आर्टकिंग एंड कांग्रेस थिंक यार ये दोनों कंडीशन जरूरी हैं पब्लिक ओपिनियन अगर हमें वॉर के लिए आपको सपोर्ट करना है तो न ऑफिशियल कांग्रेस पोजिशन वॉज बेसिकली अडोप्टेड एट दी वार्धा सेशन ऑफ दी कांग्रेस वर्किंग कमेटी नबरे मेंंबर यह वार्धा सेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा वेन ड ऑन द्वेश्चन नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी टू में क्विट इंडिया मूवमेंट बिगिन होती है दैट वॉज उसका जो डिसीजन था उसका सेशन भी बेसिकली उसका जो डिसीजन है क्विट इंडिया मूवमेंट का वो डिसीजन भी वारदा सेशन से रिलेटेड है बट दैट हैपन इन नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी टू दिस वारदा सेशन इज नाइनटीन हंड्रेड थर्टी नाइन इस वारदा सेशन पर जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है वी डिस्कस अबाउट इट इन लास्ट लेक्चर डिफरेंट ओपिनियंस थे ब्रिटिश वॉर एफर्ट से रिलेटेड कि इंडियंस को कैसे सपोर्ट करना चाहिए बट उसके बावजूद भी जो ऑफिशियल कांग्रेस की पोजिशन है वो इस सी डब्ल्यू सी मीटिंग एट वार्धा पाई थी सो वट आई एम से फॉर एग्जाम्पल इफ संभड़ी वट वॉज द ऑफिशियल पोजिशन ऑफ कांग्रेस टूवर्ड्स दर्ल्ड वॉर टू एफर्ट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स सो इन योर ओन कॉन्सेप्टचुअली यू शुड अंडरस्टैंड दिस दैट की पहले अलग अलग ओपिनियन देखते हैं गांधी का क्या ओपिनियन है नेहरू का क्या ओपिनियन है और सुभाष चंद्र बोस का क्या ओपिनियन है दर आर थ्री डिफरेंट ओपिनियंस रिलेटेड टू द ब्रिटिश एफर्ट्स टूवर्ड्स वर्ल्ड वॉर टू सो महात्मा गांधी ओपिनियन इज की ही हैज़ कंप्लीट सिंपती फॉर द ब्रिटेन इन दिस वॉर एंड सी महात्मा गांधी इज आउट एंड आउट एब्सोल्यूटली अगेंस्ट नाजी एंड द फिस्ट आइडियोलॉजी सो वो चाहते हैं हियर एट दिस मोमेंट ही इज एडवोकेटिंग एन अनकंडीशनल सपोर्ट टू द अलाइड पावर्स तो वो कंप्लीटली आउट एंड आउट अनकंडीशनल सपोर्ट चाहते हैं कि अभी हमें इस समय आर्ग्यूमेंट या नेगोशिएशन या कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है ब्रिटिशर्स के साथ इंडियन शुड इमीडिएटली गिर सपोर्ट जवाहरलाल नेहरू कंडीशनल सपोर्ट देना चाहते हैं एंड सुभाष चंद्र बोस बेसिकली इस because british britain is at vulnerable situation they are indulged in war in europe he wants to take advantage of it so full confrontational are these are the three differing viewpoints mahatma gandhi unconditional support to the britishers Jawaharlal nehru conditional support to the britishers and Subhash Chandra Bose, basically take advantage and rather a confrontational approach to the ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम इनका मानना है गांधी जी का फासिजम इज अ बिगर रेविल सो वी शुड सपोर्ट ब्रिटिश इन दिस कॉन्टेक्सट जवाहरलाल नेहरू का मानना है कि बिगर रेविल नो डाउट्स अबाउट इट बट ब्रिटिशर्स भी इंपीरियलिस्ट हैं सो अगर हमसे सपोर्ट चाहिए सो दे शुड ऑल्सो गिवसेशन हियर एंड सुभाष चंद्र बोस का मानना है कि फासिज्म है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ब्रिटिशर्स आर द पावर इन माई कंट्री एंड उनको भगाने के लिए जो भी तरीका जो भी सक्सेसफुल टाइम है दिस इज द राइट नाउ सो गांधी जी ही मेड क्लियर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द डेमोक्रेटिक नेशन ऑफ द यूरोप एंड द टोटेलिटेरियन नॉर्थ जीज एंड फासेस्ट सो ही हैज क्लियर डिस्टिंक्शन की ब्रिटिशर्स आर एटलीस्ट बेटर देन नॉर्थ जीज एंड द फेस्ट सो ही वॉज नॉट विलिंग टू एम्बेस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वॉर सो ये महात्मा गांधी का ओपिनियन है एक नेहरू का एक सुभाष का वट इज द ऑफिशियल ओपिनियन ऑफ कांग्रेस How does that come? Nevertheless, Subhash Bosh and the socialists uh, like Acharya Narend Narendra Dev and Jayaprakash Narayan they were also invited by the Congress to seek different opinion. So in their opinion, war was being fought by imperialists on the both sides. So man, like, fascist, nazist, imperialist, these are all basically labels. They all are the same thing. Germany is an imperial country. France is an imperial country. British is an imperial country. So each side so, like Britishers are not fighting against the Nazism or the Fascism; they are just fighting to protect their own colonial possessions and gain more territories to colonize. So, neither side sh uh, should be supported by the nationalists. In fact, Subhash Chandra Bose and the socialists were wanting that this is the time, this is the right time to actually launch a civil disobedience movement. And we should take advantage of the British vulnerability and snatch freedom from the British. So, Gandhi, here. एक्सट्रीम पे है अनकंडीशनल सपोर्ट सुभाष चंद्र बोस राइट हैंड साइड वाले एक्सट्रीम पे है एब्सोल्यूटली लाइक टेक द एडवांटेज ऑफ दबिलिटी एंड जवाहरलाल नेहरू वाज़ ऑन दिस सिचुएशन ही इज नॉट अग्रीग विद गांधी और द सोशलिस्ट इन हिज क्लियर माइंड देर वज डिफ्रेंस बिटवीन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड द फासज्म सो यस उनके लिए फासिज्म और डेमोक्रेटिक वैल्यूज में डिफरेंस है बट उनको यह भी पता है कि दे शुड बी एबल टू गिव अस कंसेशन ही बिलीव दैट जस्टिस इज डेफिनेटली ऑन द साइड ऑफ द ब्रिटेन एंड द फ्रांस बट ऑलसो ब्रिटेन और फ्रांस इंपेरियलिस्ट पावर हैं सो दिस इज दी प्रॉब्लम तो अब जब दोनों दोनों प्रॉब्लम है सो ही शुड और जवाहरलाल नेहरू बिलीव इज दैट की नो इंडियन पार्टिसिपेशन शुड बी डन टिल इंडिया इज फ्री राइट सो कंडीशनल है

नेहरू के आइडिया के ऊपर बिकॉज सुभाष चंद्र बोस वाला भी थोड़ा ज्यादा रेडिकल था महात्मा गांधी वाला भी थोड़ा रेडिकल था सो नेहरूज पोजिशन विच वॉज अडोप्टेड बाई द कांग्रेस वर्किंग कमेटी सो वट वॉज द सी डब्ल्यू सी रेजोल्यूशन ऑन द लाइन्स ऑफ द नेहरू इन आइडिया दे कंडेम्ड द फास्ट अग्रेशन So India could not be a party to a war being fought on the faces for democratic freedom while the freedom was being denied to India. So Vardha Committee. Ne so this is the official response of the Indian National Congress. टू दर्ल्ड वॉर एफर्ट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स कि हम फासिस्ट एग्रेशन को कंडेम करते हैं हाउ एवर वी डोंट सपोर्ट ब्रिटिशर्स इधर बिकॉज हाउ कैन वी सपोर्ट ब्रिटिशर्स हाउ कैन वी फाइट फॉर द फ्रीडम वेन वी आवर सेल्व आर नॉट फ्री सो अगर ब्रिटेन डेमोक्रेसी और फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा है एज इट इज क्लेमिंग इट शुड बी प्रूव्ड बाई एंडिंग इंपीरियलिज्म इन इट्स कॉलोनीज और इंडिया में फुल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करके सो गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर इट्स वॉर एम सून एंड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द डेमोक्रेसी वर टू बी अप्लाइड इन इंडिया आफ्टर द वॉर सो आउट एंड आउट डिक्लेयर करो ना कि ब्रिटिशर्स फाइट किस लिए कर रहे हैं सो कांग्रेस लीडरशिप वॉन्टेड टू गिव एवरी चांस टू दी एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट दिस वॉज द रिस्पॉन्स हाउ डिड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू इट

out and out they supported the britishers so jodhlilithgutho or the viceroy tha, they started using the muslims and the princes against the congress linlithgow said we will not define the british war aims beyond that the britain was resisting aggression so the congress are trying to push britishers to declare publicly why they are fighting the war is it to protect democracy? Is it to protect freedom? Is it to fight fascism or Nazism? What exactly? Whereas the British official statement at that time was that we are fighting against the aggression. Germany and Italy are basically aggressing, so we are just fighting that. It would, Linlithgow also made a statement as part of a future arrangement, that representative of the several communities, parties, and interests in India and the Indian princes. ऑन हाउ द एक्ट ऑफ नाइनटीन हंड्रेड थर्टी फाइव माइट बी मॉडिफाइड सो ई मेड अस्टमेंट कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थर्टी फाइव है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिटीज पार्टीज और जो इंडिया में और जिस जो भी इंटरेस्टेड है एन प्रिंसली स्टेट्स को लेकर इट वुड इमीडिएटली सेटअप अ कंसल्टेटिव कमिटी जिसकी एडवाइस जब जब जरूरत पड़ेगी तो वॉर के दौरान विल टेक नाउ गवर्नमेंट यहाँ पे लिलिदगू की जो स्टेटमेंट थी वो मतलब ऐसा नहीं था कि अलग से उन्होंने कुछ बोला है दिस वॉज द जनरल एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम कि वॉर का एडवांटेज ले लेना चाहिए टू रिगेन द लॉस्ट ग्राउंड फ्रॉम द कांग्रेस सो दे वॉन्टेड टू क्रिएट अ सिचुएशन द हिस्ट्री कैन सी कि ब्रिटिशर्स वॉन्टेड टू कि इन दिविल डिसोबीडियंस मूवेंट ऑफ़ पब्लिक सपोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट सो देिगर्ड की एडवांटेज बैक सो कांग्रेस के साथ राइट एंड राइट कॉन्फ्रेंटेशन करवा लो अगर कांग्रेस के साथ राइट एंड राइट कॉन्फ्रेंटेशन हो जाएगी इफ दे आर एबल टू डू दैट opinion might actually go against the Congress, and they will regain the lost ground. सो कांग्रेस को कॉन्फ्रंट पर डालो और उसके बाद बिकॉज दिस इज दर देर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन गोइंग ऑन सो देर द्रेकोनियन पावर हाउ मैं भी दिखाता हूं देखो बिफोर द डिकलेन ऑफ दॉर एमरजेंसी पावर हैड बिन अक्वायर्ड बाई देंटर इनपॉइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोविंशियल सब्जेक्ट बाई अमेंडिंग दी नाइनटीन हंड्रेड थर्टी फाइव एक्ट सो जैसे ही थर्ड सेप्टेंबर नाइनटीन थर्टी नाइन को वर्ल्ड वॉर टू बिगिन होती है देंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया ट्वेंटी नाइन्थ सेप्टेंबर ऑफ नाइनटीन हंड्रेड थर्टी नाइन पास इज डिफेंस ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस डिफेंस ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं इट हैजिन एनफोर्स द डे वॉर वॉज डिक्लेयर दिस्ट्रिक्टिंग सिविल लिबर्टीज ना ये ऑर्डिनेंस एज ए लॉ ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ सेप्टेंबर नाइनटीन हंड्रेड थर्टी नाइन को पास कर दिया जाता है नाउ फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन हंड्रेड थर्टी नाइन एक एक्ट था जो कि सेंट्रल लेजिस्लेचर ने ऑफ इंडिया ट्वेंटी नाइन्थ सेप्टेंबर नाइनटीन थर्टी नाइन को पास किया था होता क्या है उससे दिस इज सिचुएशन ऑफ द वॉर एंड इस समय देश में पूरे के पूरे देश में बेसिकली इट्स काइंड ऑफ एन दी पावर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम सो द होल कंट्री इंडिया इज अंडर मार्शल लॉ वैसे ही ट्वेंटी नाइन सेप्टेंबर को पास हुआ था लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिवली थर्ड सेप्टेंबर से जैसे वर्ल्ड वॉर टू बड सेप्टेंबर को ऑर्डिनेंस इशू कर दिया गया था होता क्या है उसमें इट प्रोवाइडेड वाइस रॉय लिन लिथु एट द टाइम टू मेक रूल्स फॉर द सेफ्टी ऑफ ब्रिटिश इंडिया तो वो कोई भी रूल्स बना सकते थे उनको लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू जाने की जरूरत नहीं थी प्रोवाइड पनिशमेंट इन केस ऑफ एनी कॉन्ट्रवेंशन विट इंक्लूडेड दैट ऑफ डेथ एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी तरीके से राइवल स्टेट जो कि जिसके साथ वॉर पे हैं दिस इज व्हाट द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हेल्थ सो इंडिया इज लीगली डिक्लेयर्ड एट वॉर विद जर्मनी एनीबडी असिस्टिंग जर्मनी और इटली और जापान एट दैट टाइम कैन बी ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ आउट ऑफ इंडिया और ऑब्वियसली कैन गेट द डेथ सेंटेंस ऑल्सो एंड दैट ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट इज मजेस्टी मतलब किंग के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं स्पेशल कोर्ट्स बना दी गई थी हुज वर्डिक्ट नोबडी कैन अपील फ्रॉम स्पेसिफिकली क्योंकि इस समय वॉर चल रही है कॉल्ड द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट एंड द कोर्ट्स इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर द पर्पसेस ऑफ द डिफेंस डिफेंस के लिए अगर कोई जरूरत पड़ती है तो कोई भी जमीन को एक्वायर किया जा सकता है एंड इट एक्सपायर्ड सिक्स मंथस आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ वॉर ठीक है सो दिस डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन से लेके नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी सिक्स फोर्टी तक ये हमारे देश पर लगा हुआ था so this gives power to the british government so they can use it to suppress any activity at that time because any activity will be considered can be actually ambiguously can be considered uh, against the nation at that time so it could uh, also win an unusual amount of liberal and leftist sympathy all over the world by painting an aggressive congress as being pro japan and the pro germany right there is a war going on india has been declared as a warring nation and if congress oppose britishers so perceptively speaking congress is basically pro japan or pro germany right क्यों अपोज कर रहे हैं अगर वो इंडिया में रह रहे हो इंडिया जर्मनी के साथ वॉर पे वाई आर दे अपोजिंग द वॉर वाई आर दे अपोजिंग द ब्रिटिशर्स आर दे प्रो जर्मनी आर दे प्रो जपैन सो दे दैट परसेप्शन गेम कुड हैव बीन वन बाय द ब्रिटिशर्स सो ब्रिटिश इंडियन रिएक्शनरी पॉलिसीज और जो ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो जो कर रही थी उस समय सारे के सारे ब्रिटेन में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन एट दैट टाइम वॉज द विंस्टन चर्चिल ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू ही वॉज सपोर्टिंग इट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जेट लैंड ही वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग इट जो कि कांग्रेस को कंप्लीटली प्योरली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी मानते थे

That became the problem. So it means the British government had no intention of loosening its hold during or after the war, and was willing to treat the Congress as an enemy. That is what their idea was. Gandhi, when he Linlithgow's statement, he the British government is absolutely insensitive to the Indian public. There is no democracy for India if Britain can prevent it. Referring to the minorities and other special interests, Gandhi said Congress will safeguard minority rights provided they do not advance claims. Inconsistent with India's independence. Yahan pe kya hota hai? So uh, now you see the chronology. The World War I has started, oh, sorry, two has started, World War II has started. Congress basically is saying ki we will support you, but we can only support you if you do promise us uh, some so sort of independence or all the sort of independence after the World War II. And the Lil Lith says that we don't want to. They just are simply not ready to negotiate on this behalf. Hence, on October 23, 1939. कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग है वो डिसाइड करती है कि ऑल द प्रोविंशियल कांग्रेस जो कि 1937 में इलेक्शंस के द्वारा जो प्रोविंशियल सरकारें बनी थी वो सारी की सारी रिजाइन कर लेंगे दे रिजेक्टेड दाइस रॉय स्टेटमेंट एज ए रियाइट्रेशन ऑफ द ओल्ड इंपीरियलिस्ट पॉलिसी एंड दे रिपीटेड द सेम थिंग दैट द कांग्रेस विल नॉट सपोर्ट द वॉर एंड दे डिसाइडेड कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज विल रिजाइन इन द प्रोविस्ट सो so, करना क्या चाहिए अब जैसे ही लिलित गो की स्टेटमेंट आती है ये 1939 में सो so, इस बात पे डिबेट उठा कांग्रेस में फिर दोबारा से कि करना क्या चाहिए लाइक वी आर नॉट सपोर्टिंग द वॉर व्हाट एग्जैक्टली शुड वी डू शेल वी स्टार्ट एन इमीडिएट मास स्ट्रगल नाउ एट दिस टाइम सी गांधीज ओपिनियन वॉज एक्चुअली टू प्रोवाइड अनकंडीशनल सपोर्ट इट इज जस्ट दैट द जवाहरलाल नेहरू व्यू इज बेसिकली prevailing इन कांग्रेस एट दैट टाइम सो गांधी और उनके सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि देखो इस समय इमीडिएट स्ट्रगल तो हम नहीं करना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अलाइड कॉज अलाइड मतलब कि ब्रिटिशर्स एंड द फ्रांस उनका जो कॉज है इज बेसिकली जस्ट देन देश में कम्युनल सेंसिटिविटीनेस भी है लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी है इस समय प्रोटेस्ट करेंगे सो माइट लीड टू कम्यूनल राइट रीजन की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इज फुली सपोर्टिंग war efforts. अगर कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी टू स्टूल क्लैश लीडिंग टू दाइट्स कांग्रेस तैयार नहीं है एटमोस्फेयर ऐसा है नहीं पॉलिटिकल so वर्क करना स्टार्ट करते हैं एंड लेटर ऑन इफ वी आर रेडी एक्चुअली बिगिन द स्ट्रगल दैट इज वट द होल आइडिया वॉज न्याटोबर नाइनटीन हंड्रेड में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया तीन महीने के बाद जनवरी नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी लिलो दॉय सेम वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हो जाएगी डोमिनियन स्टेटस ऑफ द वेस्टमिनंस्टर वेराइटी आफ्टर द वॉर इज दोल ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया रिमेबर दर हैज बिन अटन चेंज अर्लियर द स्टेटमेंट विच वॉज मेड बाय द लिलित गो इन अक्टोबर दफिशियल गवर्मेंट पॉलिसी एट दैट टाइम डिन परटिकुलरली टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ डोमिनियन स्टेटस बट हियर देर मीटिंग अबाउट द डोमिनियन स्टेटस यहां पर नवंबर नाइनटीन हंड्रेड थर्टी नाइन में कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है वो एक आफ्टर द रिजनेश रेजिग्नेशन दे द अ रेजोल्यूशन द कोर्स ऑफ वॉर एंड द पॉलिसी परस्यूड बाय द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ़ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज बीइंग कैरीड ऑन फॉर द इम्पेरियलिस्ट एंड ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म इस समय इंडिया में चली रहा है ऐसी वॉर को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं अगर हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस चाहिए तो इंडिया को इंडियंस को बेसिकली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का अधिकार देना चाहिए ब्रिटिशर्स को थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिकोगनाइज कीजिए और जब यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी तो जब कम्यूनल प्रॉब्लम ब्रिटिश कैप्टोनाइ वो माइनॉरिटी की हेल्प करना चाहते हैं और दी कांग्रेस इज अ प्योरली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन दो क्वेश्चन कैन ओनली बी सॉल्व इफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज फॉर्मड यहां पर जब लिनलिदगो की जनवरी की स्टेटमेंट आ जाती है तो मार्च नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी में रामगढ़ सेशन होता है कांग्रेस का यहां पर मौलाना मौलाना अबुल कलाम आजाद is elected as the president of the Congress. अटोल यू इन द लास्ट लेक्चर कि अब 1941, 42, 43, 44 और 45 अब अगले पांच साल तक कांग्रेस के जो एनुअल सेशन है वो नहीं हुआ करेंगे पहले तो वर्ल्ड वॉर टू चल रही है और ऊपर से सारे के सारे जो मेजर लीडर्स हैं वो बेसिकली अब जेल में जाने वाले हैं सो ड्यू टू द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बिकॉज ये अपोज कर रहे हैं ना दे आर अपोजिंग दर एफर्ट्स सो द मोमेंट देर स्टार्ट अपोजिंग द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर उनको किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है सो दिस नो कांग्रेस सेशन वॉज बेसिकली हेल्ड सो फ्रॉम नाइनटीन टू नाइनटीन

हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगते हैं किसी भी प्रकार का कोई डोमिनियन नहीं चाहिए और एनी अदर स्टेटस विद इन द इंपीरियल स्ट्रक्चर वी वांट एब्सोल्यूट कंप्लीट इंडिपेंडेंस अब वो जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है कंप्लीट सॉवरनिटी है दैट इज व्हाट वी विल एक्चुअली वांट इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट कांग्रेस वुड रिजॉर्ट टू सिविल डिसोबीडियंस एज सुन एज कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड फिट इनफ और इफ दर्कमस्टेंसिस प्रेसिपिटेट अ क्राइसिस दे आर बेसिकली प्रिपेयरिंग कि अभी मतलब वो कुछ करना नहीं चाहते हैं दे आर नॉट एक्चुअली रेडी टू डू एनीथिंग बट दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग कि अगर टाइम आएगा तो अब हम सिविल डिसोबीडियंस करने के लिए भी तैयार हैं इस पूरी की पूरी स्टोरी में इन 1939 सितंबर से जो कहानी स्टार्ट हुई है सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे जो हिस्टोरिकल कॉन्वर्सेशन चल रही है ब्रिटिशर्स और कांग्रेस कांग्रेस uh, के बीच में इसके बीच में एक और गड़बड़ हो जाती है मार्च नाइनटीन पाकिस्तान रेजोल्यूशन इज पास्ड एट लाहौर तो जैसे एनुअल सेशन होते हैं कांग्रेस के उसी प्रकार से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी एनुअल सेशन होते हैं जैसे कि वारधा मीटिंग में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने यह डिक्लेयर किया है कि वी डू नॉट सपोर्ट वॉर टिल द टाइम कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स ओके सिमिलरली मार्च 1940 एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट मंथ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक मीटिंग होती है एंड दे डिसाइड्स टू पास अ रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर ग्रुपिंग ऑफ डिस कॉन्टिंग एरिया जहां पे मुस्लिम्स मेजोरिटी में हैं एक नॉर्थ वेस्ट में है और एक ईस्ट में है इन टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स शेल बी ऑटोनोमस एंड एडिक्वेट सेव गर्ड टू मुस्लिम वेयर दे आर इन माइनॉरिटी अगर हम इसको पूरा सा और एक्सप्लेन करें दिस इज वेयर Finally, the demand of Pakistan is concretized. Like once this resolution is passed, there is no way to back from it. hota kya dekho fir se dhyan se padhte hain Lahore Resolution, it is also called as the Pakistan Resolution. ठीक है? ये मोहम्मद खान के द्वारा लिखा गया था and it was presented by A.K. Fazlul Haq. He was the Prime Minister of the Bengal at that time. नहीं नहीं, Bengal जहां पर मतलब तो यू कैन इमेजिन बंगाल वाई क्योंकि उसमें लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम होती है बंगाल का ही पार्टीशन होना है और इसका प्राइम मिनिस्टर है ए के फजलू हक नाउ दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल दिस वाज अ पोस्ट विच वाज अ आफ्टर द 1947 लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ एक्ट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन ने बनाई थी विच ऑल्सो मेड दी बंगाल है बाई कैमरल लेजिलेचर ना हमारे जरूरी नहीं है सो दिस वॉज अ पोलिटिकल स्टेटमेंट द लाहौर रेजोल्यूशन और द पाकिस्तान रेजोल्यूशन विच वॉज अडोप्टिड बाई दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लाहौर रेजोल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि मार्च 1940 में लाहौर में सेशन चल रहा था सो वट दिस स्टेटमेंट वॉज दिस वॉज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट दिस इज द स्टेटमेंट दैट इज द जेनेसिज ऑफ पाकिस्तान दिस इज हाउ द पाकिस्तान इज बॉर्न is this is where it begins so this is that the geographically contiguous units are डिमार्केटेड रीजन्स विच शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड तो जोग्राफिकल रीजन्स बनाओ टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट करो जैसी भी नेसेसरी है जिसमें मुस्लिम्स न्यूमेरिकली मेजोरिटी में हैं दो स्पेसिफिकली जैसे कि नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न जोन ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इसको टुगेदर ग्रुप करो टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिपेंडेंट स्टेट स्टिट्यूंट यूनिट शुड बी ऑटोनोमस एंड सॉवरेन अब पाकिस्तान का जो नाम है द वर्ड पाकिस्तान ये पहले ही दिया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान ओके okay? पाकिस्तान रेजोल्यूशन एंड पाकिस्तान इज आउट एंड आउट डिफरेंट थिंग बट या इस रेजोल्यूशन के बाद अब ये कॉमनली यूज हो गया लुक एट दिस दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट सो मोहम्मद अली जिन्ना लाहौर कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हैं नाउ स्टैंडली वॉल्पर्ट इज ए हिस्टोरियन ही दिस इज द मोमेंट वेन जिन्हा हु historically from last 20-25 years was a proponent of hindu-muslim unity irrevocably transferred himself for the cause of separate muslim homeland called pakistan this is how important this is so continuing that thing in 1940 in august viceroy Linlithgow gives offer to the indian Nationalist, which is called as the august offer now remember september 1939 May, world war ii start yeah? इलेवन मंथस आफ्टर नेक्स्ट ईयर अगस्त सो अगस्त ऑफर 1940 के अगस्त का है वाई डू दे कॉल इट अगस्त ऑफर बिकॉज इट वाज़ गिवन इन अगस्त दैट इज सो स्मार्ट सो ऑब्वियस सो इन फर्स्ट इनिशियल ईयरस जर्मनी वॉज वेरी सक्सेसफुल ड्यूरिंग दॉर सो हिटलर की जो सक्सेस थी बेल्जियम कंट्रोल कर लिया हॉलैंड उन्होंने कंट्रोल कर लिया फ्रांस को भी हरा दिया नाउ दिस पुट इंग्लैंड इन टू अ डिफरेंट पोजिशन अब ब्रिटेन थोड़ी सी फंस गई थी वॉर uh, जो थी एट दैट टाइम ऑब्वियसली हैजेक न्यू टर्म एंड देर वॉज अ पॉसिबिलिटी कि जर्मनी माइट एक्चुअली डिफीट एवरीबडी एट दैट टाइम पूरी पूरी यूरोपियन डोमिनेशन करने की संभावना पूरी की -पूरी, पूरी, पूरी बढ़ गई थी सो so, इस समय भी अभी भी लाइक इवन इन दिस सिर्फ ब्रिटिशर्स आर मोर वेबल दे हैव बिकम डिस इन लास्ट वन ईयर बटर ऑल्सो महात्मा गांधी एंड नेहरू इज बेसिकली स्ट्रॉगली अपोजिंग द आइडिया ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ द ब्रिटेन पोजिशन इस समय भी नहीं ले सकते हैं कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी थी देवर जस्ट आस्किंग ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एंट्रीम गवर्नमेंट बना दे ड्यूरिंग दॉर पीरियड अबाउट दैट राइट विल सपोर्ट यू

मतलब दिस इज वॉट दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर की डोमिनियन स्टेटस इज द ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया सो दे आर सेम वी विल प्रोवाइड यू डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू ओके द फर्स्ट थिंग दिस इज ऑफर क्या ऑफर में आया ठीक है एक्सपेंशन ऑफ वाइज राव एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच विल हैव अ मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस तो वाइज राव की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर इंडियंस की मेजोरिटी हो जाएगी मतलब थियोरिटिकली स्पीकिंग ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इंडियंस की मेजोरिटी हो जाएगी एट so, दैट को गवर्नमेंट कहते हैं वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को वी आर फॉइंग सिर्फ वाइसरॉय को हटा के बाकी सारे इंडियंस बना दो कांग्रेस की डिमांड है दे आर कि वी आर गोइंग टू गिव मेजोरिटी टू द इंडियन नहीं मेजोरिटी मिल जाएगी ठीक है एंड दिस इज दफर दे वर रेडी टू सेटअप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वॉर जहां पर इंडियंस विल डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन अपने सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंसेप्शंस के हिसाब से बट रिमेंबर डिफेंस माइनॉरिटी राइट्स दूसरी स्टेट्स के साथ ट्रीटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज इस पर अपना गवर्नमेंट देखेगी मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनेगा जिसमें सारी की सारी चीजें टेकन केयर पे हो एंड दिस इज इंपॉर्टेंट नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द माइनॉरिटीज विदाउट गोइंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड अबाउट इट अगर नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी की कांग्रेस को आप ये दे देते हो तो कांग्रेस का पहला रिएक्शन मतलब दिस इज बॉट इट शुड बी डोमिनियन स्टेटस। अब कांग्रेस तब से मांग रही है फुल इंडिपेंडेंस इन मार्च 1940 दे आल्सो पास की कांग्रेस का जो फाइनल गेम है वो फुल इंडिपेंडेंस है बट दे आर स्टिल गिविंग द डोमिनियन स्टैटस द फर्स्ट प्रॉब्लम ठीक है द सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट कि दे जस्ट गेव ए वीटो

पाकिस्तान so congress सिंस लास्ट फोर offer रिजेक्टेड दिकेट क्यों नेरूसेट की डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट इज डेड एज अ डोरनेल कह रहे ये नहीं चाहिए अब डोमिनियन की बात ही नहीं हो रही डोमिनियन का डिबेट ही नहीं है मुस्लिम लीग ने वीटो अश्योरेंस को तो वेलकम किया डाउट अबाउट इट बट दे डिड नॉट एक्सेप्टेड दल्सो वाई क्योंकि कांग्रेस सॉरी द गवर्नमेंट बेसिकली डिंट गिवे एन एश्योरेंस फॉर दबलिशमेंट ऑफ द पाकिस्तान मतलब इन दोनों ने माना नहीं गवर्नमेंट <coughs> ने अप्लाई कर दिया ऑफिशियली गवर्नमेंट ने क्या अप्लाई किया दे? देखो कुछ चीजें तो इसमें प्रोमोट फ्यूचरिस्टिक uh, like है सो दिस इज फ्यूचरिस्टिक दिस इज फ्यूचरिस्टिक एंड दिस इज फ्यूचरिस्टिक ये एक बच्चा था इसको गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया यह तीनों चीजों को तो टाइम तो ही नहीं था गवर्नमेंट ऑफ राइट बट ऑगस्ट ऑफर के फायदे हैं क्या थे सबसे पहले नोटिस करो सो फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आउट एंड आउट अग्री कर लिया गया है इन प्रिंसिपल एटलीस्ट इनहेरेंट राइट ऑफ द इंडियंस टू फ्रेम दियर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिकोगनाइज एंड द कांग्रेस डिमांड फॉर अंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कंसिडर्ड डोमिनियन स्टेटस को एक्सप्लिसिटली ऑफर कर दिया गया था सो Like I don't know the right analogy to put it, like we wanted independence and Britishers has basically offered us the dominion status. We were just right there at the door of the independence, very close. So 1940 में वाइस रॉयल ने अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को तो एनलार्ज कर दिया इंडियens को 12 लोगों की क्या नाम एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी आठ उसमें से इंडियens हो गए थे. Again Britishers were इंपॉर्टेंट वाले जो थे डिफेंस फाइनेंस और होम और वाइस रॉय ये चार जो थे ये बेसिकली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे बट स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स नेशनल डिफेंस काउंसिल वॉज ऑल्सो सेटअप प्योरली एडवाइजरी फंक्शन ऑफर है ऑगस्ट ऑफर का प्रैक्टिकल रिएक्शन क्या है वट इज द हिस्टोरिकल रिएक्शन ऑफ एन ऑगस्ट ऑफर दट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल सत्याग्रह सो गव कांग्रेस इज डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट और दिल लिथगो कम्स अप विद डोमिनियन स्टेटस रिजेक्टिंग इट द रिजेक्टेड इट बट वट इज द रियक्शन मतलब रिजेक्शन का कोई रिजल्ट आना चाहिए ना आई रिजेक्ट बट ना वट दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द इंडिविजुअल सत्याग्रह सो गवर्नमेंट ने एडमिट पोजिशन ले ली कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस नहीं किए जाएंगे जब तक कांग्रेस का एक अग्रीमेंट ना बन जाए मुस्लिम लीडर का एंड वो ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस करके किसी भी प्रकार से जो अगेन दिस वॉज अ वॉर वॉज गोइंग ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन इजिली भी सस्पेंडेड ड्यूरिंग दॉर टाइम्स सो टूवर्ड्स द एंड ऑफ दाइनटीन फोर्टी कांग्रेस वंस अगेंस्ट आस्ट गांधी टू टेक कमांड गांधी नाउ स्टार्ट टेकिंग सम ब्रॉड स्ट्रेटेजिक परस्पेक्टिव एंड ही स्टार्टेड टू इनिशिएट ए लिमिटेड सत्याग्रह ऑन इंडिविजुअल बेसिस फ्यू सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स इन एवरी लोकेलिटी रिमेंबर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट देश में मार्शल लॉ लगा हुआ है If you go full full flu, एकदम full blown civil disobedience movement पे अगर आप चले जाते हो, so that would be considered war against the internal rebellion हो गया है वो। You'll be immediately in the jail. Well, that does happen. Quit India movement actually में वही है। Quit India movement जैसी ही होती है Defence of India Act के तहत सारे के सारे लोगों को इम्मीडिएटली पुलिस पकड़ लेती है। It's not that difficult to understand that. However, in 1940 अभी वो push to the sub-shaow नहीं आया है। At this time, 1940, me, November, December, so Gandhi came up with this uh, innovative idea. Ki, let's do symbolic protest. And what is the symbolic protest? Symbolic protest is individual satyagraha. We won't launch the civil disobedience movement all over the country, rather, one person. Like Congress will select one person, that person is going to go and uh, perform individual satyagraha. What would be that? <coughs> See. जो भी आदमी चुना जाएगा वो सत्याग्रही होगा वो जाएगा एंड दे वुड डिमांड फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट वॉर थ्रू एन एंटी वॉर डिक्लेरेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच क्योंकि लिमिटेड है एट दैट टाइम इट्स कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट सो एनी बडी डिक्लेयरिंग और से प्रमोटिंग एंटी वॉर आइडियाज वुड एक्चुअली बी जेड इसीलिए एक प्रकार का ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है सो so, तो जो इंडिविजुअल सत्याग्रह होंगे वो आदमी अलग अलग जगह पे जाएगा दे विल एक्सप्रेस पीपल्स फीलिंग कि जो भारत के लोग हैं वो वॉर में इंटरेस्टेड नहीं है कोई डिस्टिंक्शन नहीं है नाजी के बीच में और अंग्रेजों के बीच में एंड अंग्रेजों के पास हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि कांग्रेस की जो डिमांड है उनको पीसफुली एक्सेप्ट कर ले वरना फिर पूरे देश में सिविल डिसोबीडियंस हो जाएगी सेइंग दिस मीन्स यू विल बी जेल्ड ओके दिस इज़ द इंडिविजुअल सत्याग्रह सो इंडिविजुअल सत्याग्रह सत्याग्रह ही जाएगा हर जगह पे अपने मतलब कहीं पर भी जाएगा डीएम के ऑफिस के बाहर जाएगा पुलिस वालों के ऑफिस के बाहर जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में स्पीच देगा एंटी वॉर डिक्लेरेशन करेगा अगर गवर्नमेंट अरेस्ट करती है तो अच्छी बात है अगर गवर्नमेंट अरेस्ट नहीं करती है तो गाँव गाँव जाकर इसी चीज़ को विलेज मतलब क्या नाम है इसी चीज़ को प्रमोट करता रहेगा एंड They will keep on moving towards the Delhi, thus precipitating a movement which came to be known as Delhi Chalo movement. So August offer, Uska out and out opinion, individual Satya Graha, and then that thing actually precipitated into Delhi Chalo movement. That is a very very bad handwriting. आई होप यू कैन एक्चुअली टू हियर इट सो विनोबा भावे ये पहले आदमी थे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफर किया सेकेंड वन वॉज जवाहरलाल नेहरू आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू यूपीएससी प्रिलिम्स दो हजार ग्यारह या दो हजार बारह इन दोनों में से या दो हजार तेरह आई डोट रिमेम्बर इट वेरी क्लियरली एक क्वेश्चन था एंड दिस वॉज द एजेट क्वेश्चन हु वॉज द सेकंड पर्सन टू गिव इंडिविजुअल सत्याग्रह आउट एंड आउट दिस वॉज एस मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना पूछा गया था नीचे ऑप्शन दिए थे पर्सन टू ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह आंसर वॉज जवाहरलाल नेहरू बाय मे नाइनटीन अंड्रेड फोर्टी फाइव थाउजेंड पीपल हैड बीन कन्विक्टेड फॉर इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस दिस वॉज अ मेजर मूवमेंट दिस वॉज नॉट स्मॉल ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पीपल गिविंग इंडिविजुअल सत्याग्रह आइडिया इज दैट कि दे आर नॉट जियोप्राटाइजिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश so, एडमिनिस्ट्रेशन कोई खतरे में नहीं है पर इंडिविजुअली सिंबल सब बंदे थे अरेस्ट थे ऑल ऑफ देम दर्ल्डेड एक्चुअली नाइन हंड्रेड फोर्टी 1941 चल रहा है 1941 में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ है गांधी डेजिग्नेट्स नेहरू एज इज सक्सेसर दिस इज नॉट एन ऑफिशियल थिंग ओके नो वेर इट्स लाइक कोई ऐसे मतलब ऑफिशियली कहीं पे जाके जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी ने सक्सेसर बना दिया इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट ही मेक्स ज जस्ट अ स्टेटमेंट सी सो कांग्रेस लीडर्स डिसंबर 1941 में फोर्टी वन सबके सब जेल में थे इंडिविजुअल सत्याग्रह की वजह से वेल नेवर द लेस बहुत ही ज्यादा अग्रेशन में था उस समय कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको रिलीज कर दिया गया था सी डब्ल्यू सी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ओवर रोड गांधी एंड नेहरूज़ ऑब्जेक्शन एंड पास्ट अ रेजोल्यूशन ऑफरिंग टू को विद द गवर्नमेंट इन डिफेंस ऑफ इंडिया डिस्पाइट गांधी एंड नेहरू आइडियाज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी दे वर एबल टू पास कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे अगर फुल इंडिपेंडेंस मिल जाए वॉर के बाद सब्सटेंस ऑफ पावर वॉज ट्रांसफर्ड इमिडिएटली यहां पे अप्रॉक्सिमेटली हियर डिसेंबर 1941 अगेन नॉट एन ऑफिशियल थिंग इट्स नॉट एन ऑफिशियल थिंग इट्स नॉट अ हिस्टोरिकल इवेंट और समथिंग ऐसा कुछ रेजोल्यूशन इट्स नॉट ए लीगल थिंग गोइंग ऑन इज जस्ट द spiritual thing right mahatma gandhi says that nehru will be my successor so it was the time gandhi designated nehru as his chosen successor now it is not jawaharlal nehru and mahatma gandhi are not exactly very same it's not like they agree on almost each and everything if you have read history literally from last 12 years they were always on the opposing viewpoint now, Nehru and Gandhi differed in temperament and attitude towards modernity, religion, God, state and industrialization. Uh, Nehru was out and out uh, modernist, Gandhi was an anti-modern. Nehru was absolutely indifferent to religion, Gandhi was a very religious person. Nehru was an agnostic, he, was, he has been stated that he is agnostic. Gandhi was a religious person. Nehru did believe in power of the state, Gandhi wanted a stateless society. गांधी वॉज अगेंस्ट इंडस्ट्रियालाइजेशन नेहरू वॉज अ प्रमोटर ऑफ द इंडस्ट्रियालाइजेशन नेहरू इन डिफरेंट था रिलीजन का गांधी वॉज एज यू से वेरी डीपली हिज ओन वर्जन ऑफ रिलीजन में यकीन रखते थे नेहरू बिलीव इंडस्ट्रियालाइजेशन वॉज द सोल्यूशन टू दी पॉवर्टी ऑफ इंडिया गांधी एक्चुअली बिलीव इंडस्ट्रियलाइजेशन वुड लीव Would lead to the poverty in India. Nehru believed in the powers of the modern state to elevate and reform society. Gandhi was skeptical because he used to see state as the instrument of violence. Despite having so many differences, the question is that why did Gandhi actually chose Nehru as his successor? Why did he make that statement? What actually promoted him? See, despite all these things, differences are possible. Nehru revered Gandhi. I'll tell you a personal thing. This is this happens with me also. Like I have a boss. We have a lot of differences. Like we probably dif we differentiate on almost everything every month. But I am the Nehru. He is the Gandhi. I hope nobody takes the clip of this and sends it to him. Uh, in turn, and Gandhi in turn believed in Nehru more than his own sons. Well, my boss actually believes me in a lot. Yeah. Thank you. Appreciate it. so both teacher the gandhi and the student the jawarlal nehru had fundamental similarities they identified with india as a whole rather than a particular caste language religion or religion ab dekho baat simple si hai kya simple hai dekho uh, rajmohan gandhi uh, ek unki kitab hai the gut the good boatman he writes that gandhi preferred nehru to the other alternatives reason being because nehru was रिलाइबली मोस्ट प्लिस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स एट दैट टाइम सो जैसे कि जितने भी ऑल्टरनेटिव थे पटे राजा जी आजाद कृपलानी राजेंद्र प्रसाद वन वे और द अदर हैड सम काइंड ऑफ़ समक्शनल इंटरेस्ट और एफिलिएशन इन सब में इन सारे के सारे लीडर्स में There was one person who holistically representative of the pluralist society. Ka. Nehru, uh, he was a Hindu, but he was trusted by the Muslims. He was a North Indian, but was respected in South India. A man, but was admired by women. Tehalla Nehru was a man, who was admired by women. Oh, saying, uh, I think uh, Mountbatten would agree with that. Like Gandhi, Nehru was genuinely an all-India leader, who gave Indians hope. That they can build a more prosperous and a peaceful society. So this is it. So, see, so this is the statement what Gandhi makes. Once I am gone, he will do what I am doing now. Then he will speak my language too, said Mahatma Gandhi in his speech to All India Congress Committee on January 25, 1942. So this is the approximate time, the December 1941, the January 1942, where Gandhi declares jawaharlal nehru as his successor. again, not an official position. it's just a, just a statement. nevertheless, now remember uh, what happened similarly. so abu 1942, january 1942, pe gaye. then we comes in the march 1942. so to gain the support of the congress, which uh, the britishers have not been able to get holistically, uh, they send a mission which is called as the Scripps mission the Stafford Cripps Stafford Cripps uh, was sent to India With some constitutional proposals just say complete Indian ka support mil sake war ka. now remember This is 1942 Britishers are losing the war in the initial years in the first three or four years uh, Germany and Japan and Italy they are making advances in the war. They are winning the war Okay, so they are at the this is the highest level of the back foot that the Britishers are at एट सो ब्रिटिशर्स स्टेफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट के ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट के एक मेंबर को भेजते हैं तो ब्रिटेन जो था जैसे ही वॉर में जाते हैं सो दे फॉर्म समथिंग विच इज कॉल्ड एज वॉर कैबिनेट इन विच इट्स इट वाज़ अ कोएलिशन कैबिनेट जिसमें जो कंजर्वेटिव पार्टी विंस्टन चर्चिल की जो पार्टी है वो उस समय पावर में थी ब्रिटेन में और जो लेबर पार्टी जो अपोजिशन में उसके भी मेम्बर थे दिस क्रिप्स स्टैफोर्ड क्रिप्स ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी एंड ही इज आल्सो अ मेम्बर ऑफ द लेबर पार्टी दो है पार्टियाँ रही हैं ये फर्स्ट फिफ्टी ईयर्स ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी में द कंजरवेटिव पार्टी इज Opposed to the idea of independence to India. And the Labour Party is slightly more sympathetic to the self-rule. Now, this person, Cripps, is slightly sympathetic to the Indian cause. He comes to India in 1942 with this idea of the constitutional proposal, if you can say. So he was a left-wing Labourite, the leader of the House of Commons, and a member of the British War Cabinet. रिमेंबर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील होगा यहाँ पे कि यह ब्रिटिश वॉर जो कैबिनेट है इट इज लेड प्राइम मिनिस्टर कौन है चर्चिल चर्चिल इज अम्बर ऑफ द कंजरवेटिव इज दीडर ऑफ द कंजरवेटिव पार्टी सो हाउ कम अ पर्सन हु इज अ लेबर पार्टी लीडर वो कैसे है मतलब इट इज अ वॉर टाइम इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन सो एवरीबड इज कोऑपरेटिंग सो हुटिवली सपोर्टेड द इंडियन नेशनल मूवमेंट सो क्रिप्स मिशन क्यों गया था सबसे पहले बिकॉज ऑफ द रिवर्स इज सफर्ड बाय द ब्रिटेन इन द साउथ ईस्ट एशिया जैपनीज व ऑलमोस्ट नियर म्यांमार सो देर वॉज ए थ्रेट की दे माइट एक्चुअली इन्वेड इंडिया एंड इंडियन सपोर्ट फाइनली बिकेम एब्सोल्यूट क्रूशल क्योंकि जर्मनी से वॉर चल रही है तो तब तक तो वह यूरोप में ही रहेगी सो इंडिया एज अ कॉलोनी इज द सेफ बट राइट नाउ जैपनीज आर एट द डोर्स we are worried the britishers are worried there was pressure on the britain from the allies usa ussr and china to seek indian cooperation an indian nationalist had agreed to support the allied cause if the substantial power was transferred immediately and complete independence was given after the war so here all a debate this is this guy this guy is basically Crips and this is gandhi they're like sitting and laughing well, why is Mah but, but but gandhi why are you laughing with the Crips? Isn't Crips supposed to be the British? It's like they are the villain, right? They are the villain of the story. What kind of a joke are you discussing here? Please do it. everybody's laughing. What is funny about the World War II is going on? What are you discussing? And Crips mission failed. Well, nevertheless, Crips Mission. Hai kya? So Crips says ki, ek Indian Union denge hum, World War ke baad, dominion status. Ke saath. It would be free.

इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर हैं वो प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट किए जाएंगे थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड प्रिंसिस कुछ नॉमिनेट कर देंगे ऐसा ही आइडिया प्लान का है। सिक्स रिमेंबर कैबिनेट मिशन प्लान में भी क्रिप्स आता है बट ठीक है चलो अभी देखते हैं कि वो वो मान लिया गया था बट ये फेल हो गया था कैसे द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू टू कंडीशन एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू द यूनियन कुड हैव अ अ सेपरेट सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म यूनियन यहां पे कैच क्या है ब्रिटिशर्स आर सेइंग वी आर गोइंग टू फॉर्म अ इंडियन यूनियन इंडियन यूनियन का मतलब जो प्रोविंसेस हैं और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं ये मिलके एक यूनियन ऑफ इंडिया जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसी प्रकार से ये सब मिलके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बना लेंगे फाइन लेकिन दे आर गिविंग एन ऑप्शन कि कोई प्रोविंस अगर चाहेगा जो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहता है दे कैन डू दैट दे कैन मेक ए सेपरेट यूनियन

ज पॉजिटिव फ्रॉम आवर साइड ओके सो अब कंप्लीटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ऑल राइट कॉन्क्रीट प्लान भी प्रोवाइड किया है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का एट ऑल्सो ऑप्शन वॉज अवेलेबल टू एनी प्रोविंस टू हैव ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन दिस वॉज अ प्रॉब्लम दिस वॉज एन एब्सोल्यूट प्रॉब्लम क्रिप्स मिशन के अंदर एक्चुअली में ब्लू प्रिंट छपा हुआ है इंडिया के पार्टीशन का दे केम अप विद आइडिया

ऑफर ऑफ द डोमिन यू हैव टू प्रोवाइड कंप्लीट इंडिपेंडेंस सेकेंड वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो तुम नॉमिनेटेड बाई प्रिंस हो यह भी गलत है रेप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स बाई नॉमिनी गलत है इट शुड बी बाई इलेक्टेड रेप्रेजेंटेटिव नाउ रिमेंबर आफ्टर दर्ल्ड वॉर टू दे डू अग्री टू दिस आखिर जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें स्टेट्स के नॉमिनेशन नॉमिनेटेड लोग ही थे यहां पे अपोज कर रहे हैं क्रिप्स मिशन को एंड राइट टू प्रोविंस द प्रिंसि फाइट करना बनता है कि प्रोविंस को अगर हम राइट right दे देंगे सीसीड करने का दिस एक्चुअली क्रिएट्स प्रॉब्लम विच प्रॉब्लम इस बेसिस पे कांग्रेस ने कंप्लीटली ऑब्जेक्ट कर दिया महात्मा गांधी Who is basically the negotiating? Look at him. Look at him laughing with here. Okay, look at him. Hey, look at him. He's, he's laughing with Crips sitting here. Okay, what's what's funny? Where's the joke? What's the joke? Tell us the joke. Everybody's laughing. This guy is laughing. This guy is laughing. Look at his smile. This is laughing in behind this person. We can't see the face, but I'm pretty sure he's laughing. He's laughing. Everybody's laughing here. This guy is also laughing. I can't see his face, but you can still see that he's probably laughing. What are they laughing about? What's the joke? Because. This guy, जो, क्रिप्स के जो प्रपोजल थे महात्मा गांधी से इट डेटेड चेक पोस्ट डेटेड चेक कहने का अर्थ यह है कि यार जितनी भी तुमने बातें बोली है ना ऑल द थिंग्स विचर एक्चुअली टेलिंग एस ये सब के सब तुम फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर्ल्ड वॉर टू के बाद डोमिनियन स्टेटस वर्ल्ड वॉर टू के बाद सब कुछ जो होगा वो वर्ल्ड वॉर टू के पोस्ट डेटेड चेक है दूसरा

जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आजाद दे वर दफिशियल नेगोशिएटर फॉर द कांग्रेस दिस माइट बी एवन कैन बी आस्ट मतलब दिस विल भी आस्ट एक्चुअली क्रिप्स मिशन में कांग्रेस के ऑफिशियल नगोशिएटर कौन थे मौलाना आजाद एंड जवाहरलाल नेहरू सो so, मुस्लिम लीग अच्छा मुस्लिम लीग भी अपोज मुस्लिम लीग भी अपोज मुस्लिम लीग कह रही है ये सिंगल इंडियन यूनियन

अपोज कर रहे थे दैट वॉज रॉन्ग सो ससेशन जो प्रपोजल थे हिंदू महासभाज राइट टू ससेबल पार्टीशन वुड लीव दर्सी कास्ट हिंदूज सिख ऑब्जेक्टेड टू दार्टीशन वुक अवेज क्योंकि पंजाब का पार्टीशन हो जाएगा सो दे वुड एक्चुअली नॉट डिसम इनके दिस इज हाउ द लिमिटेशन ऑफ द क्रिप्स मिशन इज क्रिप्स वॉज Basically, he was this was during the war, so he had no negotiation space space. He could not go beyond the draft declaration. Or one the mun take it or leave it attitude. There is no negotiation. See, this is what I'm saying. If you agree, cool. If you don't agree, I'm so sorry, there's no changes that can be happen. And this is the problem which actually led to the deadlock. Why the Crips mission failed? So, first of all, Crips mission failed because take it or leave it attitude. ज नोट स्पेस ऑफ नेगोशिएशन दॉक डॉफ कैबिनेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट बट लेटर ही सेट दैट सिर्फ और सिर्फ एक्सिक्यूटिव काउंसिल को प्रमोट करना है एंड लॉड ऑफ थिंग्स विदिंग्स इट वॉज नॉट क्लियर की कौन इंप्लीमेंट करेगा ट्रीटी कैसे होगी जब फेल हो जाता है दिस इज वेन दिस इज नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी टू माई लव This is when Congress finally fully decided that let's go for the juggler. That means let's start a mass civil disobedience moment called as the Quit India Movement. See 1920s, non-cooperation movement, hai. 1930s, ke liye, Civil Disobedience Movement, hai. and 1940s Quit India Moment. This is the three

फ्रीडम इज गिवन मतलब हमें कंप्लीट फ्रीडम दे दे ब्रिटिशर्स को डिक्लेयर कर दे कि विल विल गिव यू कम्प्लीट इंडिपेंडेंस आफ्टर दी वार एंड टिल द टाइम वॉर गोज देर शैल बी सम्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो कि इंडिया में सेटअप कर देने चाहिए विच ऑब्वियसली दे डोंट अग्री टू सितम्बर एक नाइनटीन थर्टी नाइन को वर्ल्ड वॉर टू ब्रोक स्टार्ट हो जाती है ब्रिटेन इंडिया को बेसिकली एज ए ब्लिजरेंट नेशन डिक्लेयर कर देता है दस सेप्टेम्बर नाइनटीन हंड्रेड थर्टी नाइन को ये ऑफिशियल क्या नाम है स्टैंड जो था कांग्रेस का ये डिक्लेयर कर दिया जाता है नेट इज इट सी डब्ल्यू सी रिजॉर्ट कि कोई इंडिया पार्टिसिपेशन नहीं करेगा अनटिल द फ्रीडम इज गारंटेड दिस इज द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ द कांग्रेस लिनलिथको की स्टेटमेंट आती है अक्टूबर 17 पे कि यार हमारा जो ब्रिटेन का एम है वो है सिर्फ और सिर्फ अग्रेशन को रेजिस्ट करना एट दैट टाइम वेर इज दे आर आस्किंग द कांग्रेस इज आस्किंग टू डिक्लेयर ब्रिटिशर्स वट इज द एम ऑफ द वॉर आर यू फाइटिंग अगेंस्ट फासिज्म फॉर डेमोक्रेसी एंड द फ्रीडम सी बिकॉज द मोमेंट देश एंड द फ्रीडम पॉइंट कांग्रेस का रिस्पॉन्स नो इंडियन सपोर्ट टू वॉर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन द प्रोवेंस बेसिकली रिजाइन मार्च नाइनटीन हंड्रेड में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हो जाता है लाहौर सेशन पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अगले 11 महीने बाद वर्ल्ड वॉर टू के 11 महीने के बाद ऑगस्ट ऑफर आता है ऑफर का मतलब कि ब्रिटेन का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है भारत को डोमिनियन स्टेटस देना एंड वॉर के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी कंप्राइजिंग मेनली इंडियंस इसमें माइनॉरिटीज को वीटो दे दी, दी जाती है कि द लिलिथ को बेसिकली ट्राइज टू पेसिफाई बोथ ऑफ दम ओके सो आर ट्राइंग टू पेसिफाई कांग्रेस ऑल्सो कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे मेनली इंडियंस वाली

एक्शन है 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट होता है तो ये अक्टूबर 1940 से लेके जनवरी 1941 तक क्या चल रहा है 1941 हंड्रेड फोर्टी वन इज द इयर जहां पर बेसिकली इंडिविजुअल सत्याग्रह चल रहा है पूरे के पूरे एंड दिस इंडिविजुअल सत्याग्रह इज बेसिकली लीडिंग टू समथिंग विच इज कॉल्ड इन हिस्ट्री एज दिल्ली चलो मूवमेंट मार्च 1942 में जापान रीच इज एंड ओवर रन ऑलमोस्ट द होल ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया ब्रिटिशर्स बेसिकली नीड सपोर्ट ऑफ इंडियन सो दे सेंड्स क्रिप्स मिशन क्रिप्स क्या बोलता है क्रिप्स बोलता है ध्यान से सुनो मेरी बात को एक इंडियन यूनियन बना देंगे हम वर्ल्ड वॉर के बाद जिसको डोमिनियन स्टेटस मिलेगा अब ये प्रॉब्लम है व्हाई? बिकॉज कांग्रेस से इसकी ये तो पोस्ट डेटेड चेक है भाई डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब है वी नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज दैट आफ्टर वॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी इलेक्टेड बाई प्रोविंशियल असेंबलीज और इसके अंदर नॉमिनेटेड लोग होंगे प्रिंसेस के यहाँ पर भी कांग्रेस कहते कि किस चीज के लिए भाई नॉमिनेटेड नहीं होने चाहिए ये भी इलेक्टेड होने चाहिए फ्रीडम टू एनी प्रोविंस जो यूनियन को ज्वाइन नहीं करना चाहता वो एक सेपरेट एग्रीमेंट डाल सकता है ब्रिटेन के साथ एंड द कांग्रेस भी लाइक कि यू नॉट नॉट शुड गिव राइट टू सशेशन मीन डिफेंस ऑफ इंडिया टू रिमेन इन द ब्रिटिश एंड कांग्रेस को डोमिनियन स्टेटस से प्रॉब्लम है राइट ऑफ प्रो प्रोविंस टू सी सीड से प्रॉब्लम है और कोई इमीजिएट पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हो रहा है सो द क्रिप्स मिशन फेल्स डू कांग्रेस डू दे Begin the Quit India Movement. That my dear friend would be done in this chapter number 23. Chapter number 23 Gender Quit India Movement. three teen salse, 1939, se leke, 1942. Tar, Congress was basically opposing the सिविल डिस और मासिल डिसमेंट रेजोलूशन क्या होता है इंस्ट्रक्शंस मूवमेंट पास पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट रिप्रेशन एस्टिमेट सो बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट क्या थी क्या नहीं है वट है उसके बाद नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी थ्री में फेमीन जो आया था राजा गोपालाचारी फॉर्मूला देसाई लियाकत पैक्ट वेवल प्लान एंड फाइनली Indian National Army, Subhash Bose Origin, the first phase of the Indian National Army. Yeah, that is it. We'll see you in the next lecture. If you need the PDFs, obviously, this is available on this Telegram channel. And as I actually reminded you, you should join the Telegram channel, not for the PDFs or something, but for the notifications of the upcoming classes. Because once we get over this, we are obviously going to start something else also. Like, for example, 12th class NCRT, the older one. Yeah, we need to study that. The no good series. On the youtube exists for that you want it you need it i will know it i'll see you in the next lecture discussing about the quit india moment till then have a nice day study iq is Abda yari hui affordable